हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ पूजा, आप देख रहे हैं आइकॉनिक पूजा। सो गाइस, आज मैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि इंस्पायर्ड मेकअप लुक होने वाला है, जो कि मैं अभी बताऊंगी कि मैंने किसका क्रिएट किया है। सो गाइस, ये रहा मेरा लुक वन और दिस इज माई लुक टू। तो दोनों लुक सेम है, सिर्फ हेयर स्टाइल का ही फर्क है जो कि मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। सो गाइस देखिए, ये ध्यान से देखिए, यही है वो मोहतरमा जिसका मैंने लुक रिक्रिएट करने की कोशिश करी। मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग और अच्छा लग रहा था, सोचा क्यों ना मैं ये लुक क्रिएट करूँ। सो गाइस, इस लुक में आप रेटिंग दीजिए आउट ऑफ 10, आप मुझे कितने मार्क्स देते हो। और मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं जो कि मैंने एडिटिंग करते टाइम वो गौर किया है, तो लास्ट में आपको मैं मिस्टेक्स भी बताऊंगी। सो गाइस, जो ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है ना, तो ये मैंने 20 समथिंग के पैलेट से यूज करके किया है, क्योंकि उसमें सारे कलर्स मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और मुझे दोबारा दोबारा से आई शेडो पैलेट में स्विच नहीं करना पड़ रहा है, एक ही पैलेट में सारा काम हो गया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, आप जरूर ट्राई करिएगा। तो गाइज, अगर आप ये मेकअप लुक देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और शेयर वाला है, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि और लोग भी देखें। और इसी टाइप के अगर आपको मेकअप लुक्स करना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो की तरफ जंप करते हैं। सो गाइज, अभी आप मेरा फेस देख सकते हो किस हिसाब से है। तो मेरे फेस में काफी ज्यादा ब्रेकआउट्स हो गए, और जो ये मौसम है ना, इस मौसम में जो मेरा फेस है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, खिचड़ी हो जाती है। और कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप अपनी CTM जरूर कर लें, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने ऑफ कैमरा क्लीन कर लिया था और टोनर भी यूज कर लिया था। मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पर मैंने पॉन्ड्स का ये मॉइस्चराइजर क्रीम लिया है, और ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। 10 रुपये की डिब्बी मिल जाती है लोकल मार्केट से, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और काफ़ी ज़्यादा जो मेरी स्किन है सॉफ्ट हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने प्राइमर यूज़ किया है, मालियों का प्राइमर। और जहाँ जहाँ आपके ओपन पोर्स है वहीं पे लगाना है, पूरे फेस में लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके जो ओपन पोर्स है वो फिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी हम फाउंडेशन या बेस लगाएंगे ना, तो वो पोर्स के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपकी स्किन भी सेफ रहती है। और जब भी प्राइमर लगाएं तो 2 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद ही कोई भी फाउंडेशन लगाएं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से डैबिंग मोशन में मैंने प्रेस किया ताकि पेनिट्रेट हो जाए, और 2 मिनट तक छोड़ने के बाद आपको फाउंडेशन यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन यूज़ किया है इन दी शेड गोल्डन बेज। और जो भी प्रोडक्ट्स गाइस मैंने यूज़ किए हैं वो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हो। अच्छे तरीके से इसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया, और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ब्लेंड करी क्योंकि ये ना सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है, तो जल्दी से ड्राई होने लगता है, पैचेस पड़ जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि इसे थोड़ा थोड़ा लगाएं और ब्लेंड करते जाएं, ठीक है। ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मीडियम टू हाई कवरेज है, हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये 2 से 3 शेड लाइट है जैसे कि आप देख रहे हो। तो जो मैंने आई लुक कंप्लीट करना है ना गाइस, उस लुक को कंप्लीट करने के लिए अंडर आई में काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी हम आई शेडो पॉप करेंगे तो उसके कलर्स अच्छे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना, कुछ भी हो, चाहे बेस हो, चाहे ब्लश हो, चाहे कॉन्टोर हो, चाहे आई शेडो हो, कुछ भी आपको ब्लेंड करना है। अच्छा खासा टाइम लें और ब्लेंड करें, ब्लेंडिंग इज अ की, ठीक है। अभी आप फेस देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड किया, फेस कितना अच्छा लग रहा है, बेस मतलब रेडी है। अब इसे सेट करने की बारी आती है। यहाँ पर मैंने मेबेलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मौसम है तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ही सेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं सेट करने की ज़रूरत, क्योंकि समर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने 20 समथिंग का पैलेट यूज़ किया है, तो गाइस इसी में से मैंने पिंक शेड लेकर के इनर कॉर्नर में ब्लेंड किया, आप जैसे कि देख रहे हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्लू शेड लेकर के जस्ट पिंक के नेक्स्ट ही लगाया है, और आइज़ के नीचे नीचे, मतलब उसी चीज़ को मैंने कॉपी किया है जैसा जैसा मुझे नज़र आ रहा था। फिर ग्रीन शेड लिया है, फिर यहाँ पर येलो शेड लिया है। तो मतलब ब्रशेज आपको चेंज करना है, अगर आप सेम ब्रश रखते हो तो मेक श्योर उसे अच्छे से साफ़ कर लें, और फिर नहीं तो वो कलर्स मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। येलो के बाद यहाँ पर मैंने ऑरेंज शेड लेकर के जहाँ पर ब्लश लगाते हैं ना हॉलो ऑफ द चिक्स पे, वहीं पर लगाया है। फिर मैंने स्विच कर लिया एक बड़े ब्रश में, फ्लफी ब्रश, ये पाउडर ब्रश या तो कह सकते हो, या तो ब्लश वाला ब्लश कह सकते हो, इससे अच्छे तरीके से लग जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने रेड शेड लिया है ऑरेंज के बाद, और कॉन्टोर जैसा दिया है यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉन्टोर भी स्किप कर दूंगी क्योंकि वो पहले से ही मैंने कलर दे रखे हैं, और जो चीज़ें मुझे लग रही कि कम है, जैसे कि येलो शेड मुझे लग रहा था कि कम है, तो उसको मैंने दोबारा से दिया है ताकि अच्छा सा आ जाए जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर आई लुक इतने में ही कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हो बिल्कुल रेनबो काइंड ऑफ लुक नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैंने NY देखी,
वाइट पेंसिल ली है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आई थिंक 80 रुपीज समथिंग मिल जाता है, और इसमें एक शाइन भी है। तो बस काजल स्किप किया है और मैंने ये वाइट काजल लगाया है, और नेक्स्ट आई लिड में जो मेरी आई लिड में बच गया है ना पार्ट, तो उसको हम खाली नहीं जाने देंगे। उसमें मैंने यूज़ किया स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड प्रेस ग्लिटर, तो थोड़ा थोड़ा लगाया, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाया है, बस लुक तो कम्प्लीट हो गया। और मस्कारा लगा लिया मैंने स्विस ब्यूटी का मस्कारा, अपर लैशेज में लोअर लैशेज में अच्छे तरीके से कोट कर लें। और लाइनर के लिए गाइस मैंने यूज़ की है ये लिपस्टिक, ये मैंने लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है। अगर आप कलर्ड लाइनर लगाना चाहते हैं ना, लिक्विड लिपस्टिक को एज अ लाइनर लगा कर देखो गाइस, बहुत अच्छा आता है, और आपको अलग से कलर्ड लाइनर में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और बस मैंने पाउडर से थोड़ा सेट कर दिया, वैसे ज़रूरत नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी मैंने सेट किया है, और विंग थोड़ा सा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आईब्रो फिल किया है, 20 समथिंग कह रही हूँ, सॉरी गाइज, ग्लैम 21 की आईब्रो किट पैलेट से, और मैंने उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया ताकि एक भी प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा ना हो, ब्लेंडेबल लुक आए, ठीक है। और ये 20 समथिंग के ही पैलेट से मैंने कॉन्टोर शेड लिया है, मैंने कहा ना कि ये पूरे फेस में बहुत अच्छा पैलेट है गाइज, अफोर्डेबल भी है और आपको पर्पल के साइड में मिल जाएगा। तो बस फेस को कॉन्टोर कर लिया, जैसे कि नोज पे और जो लाइन पे, चिक्स पे नहीं किया है। और ये मैंने हिलरी रोडा का शिमरी ब्रिक पैलेट यूज़ किया हाइलाइटर, तो यूजुअल एरियाज में लगा लूँगी, जैसे कि नोज में, क्यूपिड बो, चिन में और थोड़ा सा ब्रो बोन में भी, और इनर कॉर्नर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो पहले से ही इतना कलरफुल है, ठीक है। और यहाँ पर मेकअप सब कुछ बाइंड हो जाए तो मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे मेकअप फिक्सर, तो फिक्सर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई है, और बस मेकअप डन होता है। और हाँ गाइज, मैं आपको कह रही थी मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊंगी, तो गाइज मुझे एडिटिंग करते टाइम ये मिस्टेक पता चली है कि मैंने इनर कॉर्नर को एक्सटेंड नहीं किया, उसमें एक्सटेंड किया हुआ था और मैंने इसमें नहीं किया, शायद मुझे याद नहीं था, गौर नहीं किया, बाद में मुझे ध्यान आया। तो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक, और ये जो फाइनल लुक है ये है मेरा लुक 1 जो कि मैंने ओपन हेयर के साथ रखा है। और आई नो ये किसी भी वेडिंग गाइज मेकअप लुक में आप रिक्रिएट नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन जस्ट मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। तो गाइज आप मुझे मार्क्स जरूर देगा, आउट ऑफ 10 आप मुझे कितने दोगे, मैं तो अपने आप को आउट ऑफ 8 और 7-8 दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं। सो गाइज बढ़ते हैं हेयर स्टाइल में, सेकेंड लुक में मैंने हेयर स्टाइल ही कम्प्लीट की, ये चोटियाँ से बना ली मैंने, बीच में आगे से फ्लिक्स निकाली फिर चोटियाँ से बनाई। सो गाइज ये रहा मेरा सेकेंड लुक, ठीक है। सो गाइज अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन है ना आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे लुक्स मैं आपके सामने क्रिएट करती रहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ये सेकंड चैनल है, इससे पहले भी मैंने एक चैनल बनाया था, वो मेरी ही मिस्टेक्स के कारण वो चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा आउट ऑफ 10 आप मुझे कितने रेटिंग देंगे।